नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पी के एजुकेशन सेंटर। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड एग्ज़ाम जो आपका 11 सितंबर को हुआ था उसके बारे में, उसकी ऑफिशियल आंसर की कब जारी होगी, रिजल्ट है वो कब तक आपका आ सकता है। तो सबसे पहले तो आप एक बार ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दें और हमारे YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भी, सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ज़्यादातर आप अनसब्सक्राइब है वो वीडियोस को देख रहे हो, व्यूज़ दिखा रहे हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो प्रत्येक वीडियो का आ जाएगा। इसके अलावा जो KVS और NVS की क्लासेस लगवाई जाएगी आपकी जल्दी, तो उसमें भी आपको नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। बात करें राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 2022 की, तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 11 सितंबर 2022 को आपका क्या है भी एग्ज़ाम हुआ था, और इसके जो आपको आंसर की है वैसे तो प्रोवाइड करवा दी गई, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको बता दी, लेकिन बात करें ऑफिशियल आंसर की ऑफिशियल आंसर की कब तक जारी हो जाएगी, तो ये आपकी अनुमानित है भाई 25 सितंबर तक आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी होने की संभावना है। 20 सितंबर के बाद से लेकर 25 सितंबर 2022 तक आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है बोर्ड द्वारा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड एग्ज़ाम जो 11 सितंबर को आपका हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की आपकी लगभग अनुमानित आपके 25 सितंबर से पहले पहले आपके जो जारी है वो कर दी जाएगी। इसके अलावा बात करें रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की आपकी 25 तक यदि आंसर की आ जाएगी, ऑफिशियल आंसर की यदि 25 तक जारी हो जाएगी बिना किसी रुकावट के, तो आपका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट मंथ के पहले सप्ताह में, यानी सितंबर तो आपका ये चल रहा है, और बात करें तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट भी आने की पूरी पूरी संभावना है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने की पूरी पूरी संभावना है यदि आपकी आंसर की 25 सितंबर से पहले जारी हो जाएगी। यदि इसमें कोई रुकावट आती है तो आपका रिजल्ट क्या भी लेट हो सकता है, वरना तो आपका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर में पहले सप्ताह में ही आ जाएगा और आंसर की आपकी 25 सितंबर से पहले बोर्ड द्वारा जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा जो आंसर की थी वो तो जारी कर दी गई है, कट ऑफ भी आपको बता दी है, लेकिन आप एक बार क्या अभी कमेंट बॉक्स में अपने जो क्वेश्चन हैं, जो काट जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है उसको अलग करके जितने भी आपके क्वेश्चन बच रहे हैं वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि आपको दोबारा से जो एकदम सटीक आंसर की है वो आपको बता दी जाएगी। तो धन्यवाद भाई सभी का।